तीन भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन से तीन भाग बांटे गए हैं भाई? क्लासिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस। एक क्लासिकल प्लैनेट्स, दूसरा क्या है आपका प्रोटॉन्स आपके आते हैं, और तीसरा आपका आता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें से तीन जो श्रेणियां भाइयों बांटी गई है ना, पहला तो ग्रह का था, दूसरा था क्षुद्र ग्रह का, मौन ग्रह का था आपका, और तीसरा आपका जो सेगमेंट था जो बुध सॉरी बृहस्पति और मंगल के बीच में था, वो कौन सा? क्षुद्र ग्रह। तो उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो आज ही समापन की स्थिति में हम लोगों का है। एस्ट्रोनॉमी लगभग आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। अब इससे जो है जो भी का चीज़ें छूटेंगी वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया, वो छोटा मोटा जो सेगमेंट होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो प्रश्नों में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, स्थल मंडल वगैरह में जाएंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और बाकी मैंने कहा जैसा कि आपको कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर झूठी हैं वो क्या करेंगे, प्रश्नों में हम लोग उसको साफ कर लेंगे। और आप लोग अगर साथ देंगे अच्छे से ऐसे रहेंगे तो अच्छे ऐसे रहेंगे, मतलब क्लास ऐसे शांत रहेगी तो उसमें क्वेश्चन पूछते और बताते बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन की अब हम लोग ऐसे चीज़ें कर लेंगे, 25-30-40-50 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा वो आप लोग कॉपी पेन लिए रहेंगे, जो ज़रूरी होगा उसको नोट करेंगे और जो नहीं ज़रूरी होगा वो दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई जो टेस्ट का एक तरह से हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें देखते चलेंगे, तो इससे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आप लोग करेंगे क्या, दो काम करेंगे, एक तो जो नोट्स हैं वो जबान पे आपके होने चाहिए, दिमाग और मतलब दिमाग में होगा तो जबान पे होगा, इसके साथ जो एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं किसी भी स्रोतों से, बुक से अपने पढ़िए और भी चीज़ों से पढ़िए, जो भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम क्या है ना कि वो अपने हिसाब से कार्य करता है, एग्ज़ाम जो बनता है, तो उसके लिए उसको एक सफल रणनीति यही होती है कि उस पर जितना काम आप अपने साइड से कर सकते हैं उस पर अपना काम आप करते रहें, और बाकी जो जटिलताएं हैं वो हम लोग सॉल्व कर ही दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही खूब अच्छे से पढ़ के आइए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे होंगे बच्चों। आप लोग इसी चीज़ को जान लीजिएगा कि जो सौर मंडल में उपस्थित हमारे जो पिंड हैं, आप किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे से जो इलाहाबाद दिल्ली जा रहा रह रहा होगा पिछले एक साल से नहीं 4-5 सालों से पूछ लीजिएगा, भैया प्रोटॉन्स क्या है, तो शायद वो बता दे, लेकिन पिंडों को पूछ लोगे तो संभवतः अगर बहुत सीरियस व्यक्ति नहीं है तो नहीं बता पाएगा, नोट कर लीजिए। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आत्मविश्वास से लवरेज करनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा विकास हो रहा है, यानी मीन्स अगर हम दूध मलाई खा रहे हैं तो शरीर में हमारे लग रहा है, ये फील करने की बात है। बहुत सारी चीज़ें
फील करने पे होती है ना, तो एहसास ये है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। ये अच्छा बनने के लिए, मतलब इसको स्थायी रखने के लिए आपको रिवीजन करना होगा जो आप पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ और एक्स्ट्रा चीज़ें, तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं आपको तैयार करने के, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए, वो जो जैसे टेक्स्ट बुक हैं। खासतौर से मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि कोई अच्छी किताबें, मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध किताबें हैं, कोई किताब देखिए जिस हिसाब से आपका लेवल है, किताब भी आपके साथ सहयोगी किताब रखिए, उसको भी पढ़ते रहिए, तो आपका विकास और ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर है? तो कोई बुक आप अपने हिसाब से जाके देख लीजिए मार्केट में, और जो उसमें से आपको लगेगा, दो तीन किताबें देखिए जिसकी समझ में आ रही है, आप हमसे चाहें तो सजेशन ले सकते हैं, मैं वहाँ पे एडवाइस कर दूंगा ये किताब आपके लिए ठीक है। बट आप लोग पहले अपने हिसाब से देख लीजिए और ऐसे पढ़ते जाइए तो मज़ा आ जाएगा। आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं दोस्तों, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को अब देखिए थोड़ा लगेगा कहानी, कि अब कहानी बता रहे हैं, जब बार बार वही चीज़ें हैं, एस्ट्रॉइड की बात होगी तो निश्चित तौर से मंगल भैया आएंगे और बृहस्पति भैया आएंगे, इन्हीं के बीच में तो बोरियत सी लगेगी आपको थोड़ी सी। कहते हैं जब नॉलेज हो जाती है तो चीज़ें बकवास और बोरिंग लगती हैं, लगता है कि ये तथ्य की, जब इसी तरह से एग्जामिनर आप सोचिए जब वो कॉपी आपकी चेक करेगा तो वही बात बार बार लिखेंगे, बार बार वही चीज़ें लिखेंगे, तो उसको भी लगेगा कि मतलब कुछ नई चीज़ दो यार, मतलब इसमें है क्या, कोई दम नहीं है इसमें। तो लेखनी भी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, स्मार्ट लेखनी ऐसे ही होगी जब आपके पास ढेर सारे संग्रह होंगे। ऐसे कुछ लोग वक्ता होते हैं जिनके पास शब्दकोश बहुत होते हैं, उसी में बात करते करते अंग्रेजी भी बात बोल देंगे, उसी में संस्कृत भी बोल देंगे, और उसी में तमिल तेलुगु मलयालम भी बोल देंगे। साधारण प्रधानमंत्री वगैरह को देखिए, वो क्या है, जब स्पीच देने लगते हैं तो साथ साथ में अगर राजस्थान में है तो थोड़ा राजस्थानी जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी उसमें लोकल यूज कर लेंगे, भोजपुरी में है तो थोड़ा सा अपनी भाषा के साथ भोजपुरी भी यूज कर लेंगे, और विदेश में जब जाएंगे तो इंग्लिश में स्पीच दे देंगे। तो ये क्या होता है कि जब किसी चीज़ पे आपकी कमांड होती है तब आप उस पर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो पहले से तो यही करना है पढ़ाई के लिए कि हमको अपने आप पर एकदम आश्वस्त होने भर का पढ़ाई और कमांड कर लेना है, वो तभी हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे। आइए छोटे जगह देखते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों, मंगल और बुध ग्रह के मध्य करोड़ों, मंगल और बृहस्पति, यही होता है। लेकिन बताए हुए चीज़ें ये आपके विकास का एक स्रोत है, मतलब माध्यम है, कि आपको पता है मंगल और बृहस्पति के मध्य ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी है जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 से अधिक है। बहुत तेज लिखी, कभी कभी ये पृथ्वी की कक्षा के बीच भी आ जाते हैं, कभी कभी ये पृथ्वी की कक्षा के बीच भी आ जाते हैं। ये सभी सूर्य के चारों तरफ ये सभी सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की कक्षा के करीब ही आ जाते हैं। ये सभी सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों की तरह दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की सभी परिक्रमा करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सूर्य की सभी परिक्रमा करते हैं। और देखते हैं कि एक तो आप जान लीजिए, जैसे ग्रह, जैसे अभी इनको देख रहे हैं, ये दो मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट में, दोनों के मध्य के ऑर्बिट में ये अपना विचरण करते हैं। तो जैसे ग्रह सब परिक्रमा करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से ये सारे पिंड भी परिक्रमा करते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है, जैसे आप लोग देखेंगे धूल गर्दा होता है किसी चीज़ में, अगर आपको गाड़ी बहुत तेज चला दी जाए तो क्या करते हैं कि गाड़ी के साथ धूल भी उठती है, ऐसे जाती है, जब गाड़ी जाती है तो धूल भी जाती है। तो ऐसे समझिए आप कि ये भी अपना इसी तरह से परिक्रमा करते हैं।
और कभी कभी क्या होता है जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही सब घर्षण करेंगे, आग लगाएंगे, जलने वाली घटना होगी। जब मध्यमंडल में आएंगे तो जड़ेंगे, जलेंगे। चलिए आगे, ये सभी सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों की तरह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूरब यानी कि पृथ्वी जैसे गति करती है एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब घड़ी की सुई के विपरीत परिक्रमा करते हैं। देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि जो न्यूट्रॉन्स जो श्रेणी बनाई गई है, जब ये नहीं थी तब पिंडों को सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन किया गया था। एक तो आपके थे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत ही थे, एक तो ग्रह थे, उसके बाद में सब। अभी आप देख रहे हैं कि जो क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह या बामन ग्रह जो बनाए गए हैं उनमें से पांच ही केवल रखे गए हैं ना। तो जब ये नहीं था, मतलब 2008 से पहले IUA ने जब ये निर्धारित नहीं किया था, अभी आगे बताएंगे सारी चीजें, तो वो जब नहीं निर्धारित किया था तो क्लासिफिकेशन दो हुआ करता था। जब से निर्धारण हो गया है तो ये पांच आपके उपग्रह पौने ग्रह जो है ये अलग श्रेणी में कर दिए गए। पहले दो श्रेणी हुआ करती थी पिंडों की, अभी तीन है, तीन आपको पता है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसके लिए स्टोरी चाहे तो उसमें लिखें तो मैं जा रहा हूँ छोड़ने। स्टोरी आपको पता है, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो सबसे बड़ा सबसे छोटा इस पर आ रहा है। कुछ पांच चीज़ें बता देते हैं, लिखिए ऐसे ही साथ लीजिए, तब तक तो सारा सिलेबस भी समय से कंप्लीट भी हो जाएगा। लिखिए सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह इन ब्रैकेट लिख लीजिए सिरस क्षुद्र ग्रह सिरस की खोज 1801 ईस्वी में इटली के खगोलविद गुसेपी पियाजी ने किया था। अंग्रेज हैं, राम श्याम घनश्याम थोड़ी चांदनी रोशनी सूरज दीपक ये सब चंद्रमा ये सब सरल नाम हम लोग कह रहे थे। अंग्रेजों के नाम एंटोनी टॉमी बिल्गेट्स है ना, वास्को डी गामा और तमाम तमाम सारे नाम ऐसे रहेंगे ना। और गांवों में चले जाइए भी नाम देख लीजिए तो वहाँ पे बहुत सरल नाम मिलेंगे अक्सर लोगों को, मतलब छोटे लाल, बड़े लाल, राम लाल, श्याम लाल, इस तरह के नाम मिलते हैं ना। और शहरी क्षेत्रों में बच्चों को लेंगे बंटी, ये तमाम सारे नाम मिलेंगे। तो वैसे ही है इन्हों का भी नाम। चलिए बेटा, क्षुद्र ग्रहों की कक्षीय अवधि K
3.3 से 6 ऐसे लिखिएगा, 3.3 से 6 का मतलब 0 ऐसे मिला कर सकते हैं, 6 पार्थिव, 6 के बाद आगे लिखिएगा पार्थिव वर्ष के मध्य है, पार्थिव वर्ष अधिकतम और कम से कम 3.5 मोटा मोटा एवरेज जाने के लिए मान लीजिए 3.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य में कुछ भी हो सकता है, जैसा पिंड है, जैसे उनकी संरचना होती है, या जैसा उनका वो बन रहा है डिस्टेंस, वो लगभग करीब में अधिकतम 6 वर्ष लेंगे और कम से कम 3 वर्ष में वो एक परिक्रमा उनका 1 वर्ष पूरा होगा। कहने का समझ रहे हैं बात को, उनका 1 वर्ष जो है लगभग करीब में पृथ्वी के वर्ष से अगर कंपेरिजन करके तो 3.5 साल से लेकर के लगभग 6 साल के मध्य में रहता है ना। समझ रहे हैं बात को, वहाँ का साल मतलब उसका 1 वर्ष जो होगा वो पृथ्वी के लगभग 3.5 से लेकर के 6 वर्ष के मध्य का 1 वर्ष होता है किसी भी क्षुद्र ग्रह में। समझ रहे हैं ना, वहाँ का वर्ष कितना होता है लगभग, मतलब वर्ष होता है का मतलब जब आप यह पूरा एक चक्कर लगा लोगे सूरज का तो 1 वर्ष तुम्हारा पूरा होगा। तो कहने का मतलब उनका 1 वर्ष पृथ्वी के 3.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य का रहता है। क्लियर? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षुद्र ग्रहों का मतलब जो है ईयर क्या है, मतलब लगभग कितना है, तो वो ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, तो जिनको पता रहेगा वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहेंगे कौन सा लगाए हो, अगर मौका कहीं मिल गया कहेंगे बस वही लगाए हो, या बाद में आने के बाद तब बताएंगे, वहाँ गुस्सा आएगा तो उसे बताया नहीं दिया मौका कहीं मिल गया। ठीक है, आगे 3.3 से 6 पार्थिव वर्ष के मध्य है, इन क्षुद्र ग्रहों की घूर्णन गति, घूर्णन अवधि बेटा, घूर्णन अवधि खगोलीय इकाई, 2.2 से 3.3 खगोलीय इकाई दूरी के मध्य मिलते हैं, खगोलीय इकाई दूरी के मध्य मिलते हैं,
खगोलीय इकाई दूरी के मध्य मिलते हैं। सूर्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। सूर्य से 1.9 से 2.0 यानी कि 2 खगोलीय इकाई दूरी के मध्य, खगोलीय इकाई दूरी के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रहों को शनि ग्रह से भी बाहर चला जाता है, जो अपसौर की स्थिति में, अपसौर आप जान रहे होंगे क्या कहते हैं इसमें, जिसमें उपसौर अपसौर होता है, तो उपसौर को अपहेलियन और अपसौर को पेरिहेलियन कहते हैं। ये क्या है, जब सूर्य के कोई नजदीक आ जाता है, खासतौर से जैसा पृथ्वी के लिए यूज होता है कि उपसौर की घटना यानी कि जो ऑर्बिट मतलब सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सबसे नजदीक स्थिति आ जाती है तो उपसौर, और सबसे दूर की जो स्थिति होती है अपसौर, ठीक है। तो यही पेरिहेलियन और अपहेलियन कहलाता है, अपहेलियन और पेरिहेलियन। तो यहाँ पर बात कह रहा है आपको कि जो सबसे मतलब ग्रह भी जो क्षुद्र ग्रह हैं इनकी स्थिति के बारे में कह रहा है। अपसौर की स्थिति में क्या बात बताई आपको कि ये अपसौर की स्थिति में जब सबसे दूर वाली स्थिति में वो हो जाता है, कितना क्षुद्र ग्रहों से,
तब वो शनि वाले शनि से भी दूर चला जाता है, मतलब शनि की जो ऑर्बिट है उससे भी दूर। अभी आपने पढ़ा कि लगभग ऑलमोस्ट सारे उपग्रह किसमें है, बृहस्पति तक है ना, बृहस्पति और मंगल के बीच में है, तो इसका मतलब है वहीं तक है लगभग। लेकिन कभी कभी आपने सुना कि पृथ्वी वाले में ऑर्बिट में भी आ जाते हैं, तो ये है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा दूर की स्थिति होगी तो बृहस्पति के बाद शनि, शनि से भी दूर चले जाते हैं। यानी कि मतलब इसी तरह से मैक्सिमम जो स्थिति है वो बृहस्पति और मंगल के बीच की है, ये नहीं है कि इसके बाद नहीं है, इसके बाद में भी यही आप देख रहे हैं कि इस बात की स्थिति में जा रहा है। और कुछ जो है पहले भी पड़ जा रहे हैं जो कि पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जा रहे हैं, तो लगते हैं रगड़ते हैं इसमें, जब घुसता है हमारे वायुमंडल में घर्षण के कारण से जलने लगते हैं, है ना। चलिए भाई, अब सौर की स्थिति में शनि ग्रह से भी बाहर चला जाता है। क्षुद्र ग्रहों में सिरस, क्षुद्र ग्रहों में सिरस सर्वाधिक चमकीला एवं विशाल है, सर्वाधिक चमकीला एवं विशाल है। सिरस जो है, सिरस की अगर लिखना चाहे स्पेलिंग तो लिख सकते हैं सी ई आर ई एस आई एस, नहीं होगा स्पेलिंग सी से शुरू होगी सिरस, ठीक है। जिसका व्यास 1025 यानी 1025 किलोमीटर है, 1025 किलोमीटर है व्यास। व्यास का मतलब समझ रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर का सीधे केंद्र से होती हुई जो लाइन दूसरे छोर को मिल जाए, उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिल जाए केंद्र को होते हुए, तो वही व्यास कहता है। यानी उसका पूरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा व्यास हो जाएगा, तो काफी बड़ा पेड़ हो गया 1000 किलोमीटर डिस्टेंस औसत हो गया। यानी कि आप सोचिए अगर वो ये बड़े वाले पेड़ अगर कहीं पृथ्वी पर टकरा जाए तो यहाँ से आप मान के चलिए दिल्ली की दूरी कितनी होगी, 700 किलोमीटर, उससे 300 किलोमीटर नियर अबाउट और ज्यादा जोड़ दीजिए, है ना। अब इतना बड़ा कोई पिंड आकर के पृथ्वी से टकराए, मैं बात सिर्फ इस नाते कह रहा हूं कि ये कितने खतरनाक और भयावह हो सकते हैं, कि अगर ये कहीं अगर आ गया और पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर के किसी तरह से पृथ्वी से टकरा गया तो कितना भयंकर प्रलय होगा। आप सोचते कैसे प्रलय होगा, जब ये आके टकराएगा तो वायुमंडल में आएगा तो घर्षण करेगा, तो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है तो छोड़ दो, जहां आएगा वो एकदम आग के गोले की तरह हीट करेगा, वो हीट करने से क्या होगा जरा समझिएगा, इतने वेग से होगा वो हीट करेगा तब क्या होगा, जैसे जलेगा तो ऊपर चलो जलेगा, अब जलेगा जब यहाँ पर तो एक जलजला सा आ जाएगा पृथ्वी में और पूरी पृथ्वी को एकदम हिला देगा, और जब ये झटका लगेगा पृथ्वी को तो इसकी प्लेट्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब प्लेट्स जब डिस्टर्ब होंगी तो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, समुद्रों का पानी भी तो मूवमेंट कर जाएगा, वो सुनामी बाढ़ की स्थिति भी आ सकती, बहुत प्रलय हो जाएगा। और जहाँ इसकी आग से जैसे आग आएगी तो सेकंड भर में जंगल आग राख हो जाएंगे, सेकंडों नहीं लगेंगे, जंगल में बहुत भीषण टेम्परेचर, चूंकि गर्मी से लड़ेगा तो गर्मी से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक एक लाइट जैसे परमाणु बम ब्लास्ट करता है, ये स्थिति हो। ये नहीं कि आके गिरा तो दिल्ली तक ही जाएगा, बाकी उधर वाले 1000 किलोमीटर वाले कहेंगे आई एम सेफ, सेफ नहीं, पूरा हो जाएगा और पूरी एकदम सृष्टि बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ, जैसे आपको एक गोले से आपको मार दिया जाए आपके पेट में लगे तो दर्द यहाँ तक होता है, बैठ जाते हैं, है ना, तो पूरी पृथ्वी इस तरह से घायल हो जाएगी और वो बहुत क्रिटिकल स्थिति होगी। तो इस नाते बड़े भयावह होते हैं अगर कहीं पृथ्वी से टकरा गए, ये टकराते लड़खड़ाते रहते हैं, जैसे अभी आएगा अगर कोई आ रहा है, कोई गिर रहा है, वो ग्रेविटी में आ रहा है, पृथ्वी की ग्रेविटी आ रहा है तो आता रहेगा, कभी किसी तारे से लड़ जाएगा, किसी उपग्रह से लड़ जाएगा, किसी दूसरे क्षुद्र ग्रह से टकरा जाएगा, उसकी गति बदल जाएगी, तो तमाम सारी ऐसी स्थितियाँ होंगी। और भविष्य में जो हमारे यहाँ डायनासोर वगैरह के बारे में बात करते हैं कि वो समाप्त हो चुके हैं, ये इसके पीछे भी ऐसे ही बहुत सारे कारण रहे हैं, है ना, तो ये बहुत खतरनाक वाली स्थिति रहेगी। चलिए आइए, किलोमीटर है, इसके अलावा
मतलब और लिख लीजिए कुछ बड़े क्षुद्र ग्रहों के बारे में लिख लीजिए, पूछ लेगा ऐसे एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन से ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ऐसे नाम दे देगा कुछ, तो बड़े बड़े क्षुद्र ग्रहों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लिखिए पलाश, पलाश, पलाश। अरे भाई अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कितना बड़ा होता है पलाश का फूल, देखे ही नहीं, मोबाइल रखे हैं तो और सब देखते हैं, वो भी देख लिया करिए। जैसे अभी डिबेट हो रहा था, अभी हमारी जो नई संसद भवन बनी है उसमें हमारे यहाँ अशोक स्तंभ फैले हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, तो अब उस पर भी डिबेट होने लगी। अब किसी ने, सब जानते हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, लेकिन शेर मुंह बाया है कि शेर मुंह बंद किया है किसी नहीं पता होगा। यही डिबेट चली तो सबको पता चल गया कि शेर का मुंह खुला है या बंद है, फिर उसके बाद वो खुखार है कि गैर खुखार है। अभी डिबेट चल रहा था कि वो तो ये वाला जो शेर नया वाला बना है ये बड़ा खुखार भयंकर है, तो मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ, मैं डिबेट कर नहीं चर्चा का विषय कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब अशोक स्तंभ पता होगा तब तो जानेंगे, जब आपने कभी देखा नहीं, बस केवल बचपन से यही याद है कि अशोक स्तंभ है, 24 तीलियाँ हैं, 3:2 का अनुपात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद है, लेकिन देखा ही नहीं कभी। कितने लोगों से अभी जल्दी इसी में कह दिया जाए कि फ्लैग बना दो, तो कुछ लोग जो है हरे को ऊपर कर देंगे, केसरिया को नीचे कर देंगे, केसरिया को नीचे हो सकता है, मे भी मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी है, देखते हर साल है। अब जितने बरस के हुए उतने बरस से वो तिरंगा फहराते आए हैं, 15 अगस्त 26 साल में 2 बार, अगर उनकी उम्र 20 साल है तो 40 मान लीजिए, 40 तो फेस्टिवल में शामिल होके आए हैं। इसके अलावा जितना गणतंत्र 26 जनवरी और तमाम सारे प्रोग्रामों को देखा है उसके बाद में भी कन्फ्यूजन होता है। अरे बहुत सारे, अभी आप ही को बुला लिया जाए कि रहो आप से थोड़ा प्रेशर लेके काम करा दें, अभी भूल जाएंगे। और हमेशा युवाओं को एक बात जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति प्रेशर में रखता है तो रहना चाहिए, प्रेशर में तो आपका मूल्यांकन होता है। आप कहते हो नहीं नहीं प्रेशर बना के कोई काम नहीं कराइए, आप करा नहीं पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर में ही काम करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर कितना धैर्य, कितना ब्रेन आपका विषम परिस्थितियों में होता है। अब पाकिस्तान हमला कर दिया, कोई ऐसी घटना हो गई तब कहेंगे कूल, ऐसे काम चलेगा, कहेंगे माहौल ठंडा हो जाएगा तब चलेंगे, माहौल गर्म नहीं तो काम करना है। जब बच्चे बिल्कुल उग्र हैं तब वहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि उसी के लिए आपको डिप्यूट किया गया है वहाँ पर। जब दिमाग नहीं काम कर रहा है तभी टीचर को आना चाहिए, तभी समझाना चाहिए, तभी तो टीचर की खासियत है और बच्चे की खासियत। तो कहने का मतलब अगर कोई प्रेशराइज करता है आपको, अभी आपको प्रेशर कर लूँ आपका मोबाइल नंबर भूल जाएगा, एक माहौल किसी दिन बना के आ जाने दीजिए, बुला करके पूछ लो, बहुत सारी चीज़ें गलत गलत बता जाएंगे। कितने लोगों से पूछ लिया जाता है इंटरव्यू देने के, मोबाइल नंबर बताइए, आपका नंबर बताइए, नाम बताइए, फटाफट जैसे पूछना शुरू करता है तो पापा का नंबर बता के चले जाते हैं, कहते हैं वो सॉरी, अब वहाँ कौन सुधार करने जाएगा, अपना नंबर गलत कर दिए। और ये लोग, कुछ लोग कहते हैं बाद में, मैंने ऐसा देखा कि भैया नंबर थोड़ा मोबाइल वाला गलत हो गया, इंटरव्यू में फोन आएगा कि नहीं आएगा उसको सही कराना था, वहाँ तो दे के चले आए किसी तरह से, पूछा नंबर आपका मोबाइल नंबर क्या है, प्रेशर में गलत बोल के आ गए, नाम पता आप गलत भर देंगे आप प्रेशर में। अक्सर देखिए कोई फॉर्म दिया जाता है, फिल करिए तो पापा के नाम की जगह मम्मी का नाम भर दिए, मम्मी के नाम की जगह अपना नाम लिख करके चले आए, फिर देखो सॉरी, ये क्या प्रेशर। तो प्रेशर में जो जितना व्यक्ति रहता है, अधिकारी ऑफिसर सभी लोग, चूंकि इतना पॉपुलेशन इतने काम है कि वो प्रेशर में रहना उनकी स्वाभाविक से प्रक्रिया होती है। अब क्लास में है, निश्चित तौर से 10 बच्चे ऐसे रहेंगे जो क्लास को बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना चाहें, तो वो भी टीचर पे भी प्रेशर रहता है कि उसको कैसे कन्विंस करें। तो टीचर क्या करता है, कोशिश ये करता है बच्चा किसी तरह से वो सेट हो, लेकिन कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के होते तलवार लेके बिल्कुल खड़े रहते हैं, मतलब गला काट देंगे, मार देंगे, बात छोड़ दो गले काट देंगे, और बताओ सुधरना मतलब हमारे फितरत में ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनको भी सामंजस्य बना करके काम करना पड़ता है, ये सभी शिक्षक के लिए, मेरे लिए ही नहीं है। तो 2 तरीके हैं, या तो उनको भी अगर आप सिखाना चाहते हैं तो थोड़ी जटिलता आएगी, या तो उनको इग्नोर करके छोड़ दीजिए आप। तो प्रेशर में अगर जैसे कोई चीज़ पूछी जाती है, आपको प्रेशराइज करके कोई कार्य किया जाता है, जैसे समय सीमा दे दी, हमेशा घंटी बताते रहिए, घंटा हो गया 10 मिनट बचा, 5 मिनट बचा, 3 मिनट बचा है, तो वो तो हमें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो कर रहा होता है उसको मन करता है, उसका मन करता होगा संभवतः कि अब चुप हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा भी शेष 5 मिनट तुम्हारा ही बचा है, क्योंकि ये 5 मिनट, अरे आप हंस रहे हैं, आप लोगों को समझ में
कभी कभी होता है ना कि जैसे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बचे, बचा 10 मिनट, अब 10 मिनट में दिमाग ही फेल हो गया, अरे बाप क्या लिखे। ये चीज क्या है, ये प्रेशर में अगर शुरू से रखा गया होता तो हम अच्छे से काम करें। तो प्रेशर में अगर कहीं कुछ चीजें भी, जैसे मैं किसी दिन खड़ा कर दूं किसी बच्चे को और पूछना शुरू कर दूं 10-20 क्वेश्चन, तो घबराए ना, उसको ये मान के चले कि मेरा एक टेस्ट का शेड्यूल है और बहुत शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से जो तेज तर्राक बच्चे हो बिल्कुल नकल करें, उनको बोले कि ठीक है सर जितने क्वेश्चन देंगे कोशिश करूंगा सारे जवाब आ जाए, नहीं होगा तो 2-4 अच्छे शब्दों के साथ आपको बैठा दिया जाए देने के बाद। तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रेशर में काम करने की आदत रखिए, हमेशा प्रेशर आपके लिए आपको मजबूत बनाएगा, आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग करेगा, ठीक है। और ये बात बहुत अच्छी है, चलिए पलाश जूनो तथा वेस्टा बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, मतलब ये क्षुद्र ग्रह बड़े साइज के, ठीक है, नोट कर लीजिए। पलाश जूनो वेस्टा, वाह वेस्टा, अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं एक और भी उपग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिएगा, इरोस, ये थोड़ा बेडोल है, मतलब इसकी संरचना बिल्कुल गोल नहीं है, है ना, तो ये इसकी खासियत है, अनियमित आकार का है। इरोस नामक क्षुद्र ग्रह की खोज 1898 ईस्वी में हुई थी। इसका आकार अनियमित है, यह 23 किलोमीटर लंबा और 11 किलोमीटर चौड़ा है, 23 किलोमीटर लंबा और 11 किलोमीटर चौड़ा है। और इसी पर ही नासा ने यानी अमेरिका ने नियर सूमेकर नामक एक कहिए कि उपग्रह इसके ऊपर छोड़ा था यहाँ पर जाकर के शोध करने के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है बेटा, चलिए आगे की पर्याप्त चेंज करके उसी से संबंधित है। क्षुद्र ग्रहों का एक समूह पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट कर जाता है, क्षुद्र ग्रहों का एक समूह पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट कर जाता है, क्षुद्र ग्रहों का एक समूह पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट कर जाता है तो इसे अटेन ग्राहिकाएं कहते हैं, अटेन ग्राहिकाएं कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा काटने वाले क्षुद्र ग्रहों की संख्या, लगभग 1300 है, 1300 है। चलिए पर्याप्त चेंज करिए और फिर या उसी में लिख लीजिए। क्षुद्र ग्रहों के संबंध में यह धारणा है कि इसका निर्माण बहुत तेजी है, बृहस्पति ग्रह के टूटे हुए छोटे टुकड़ों से हुआ है, ये अपनी कक्षाओं में
ये अपनी कक्षाओं में कुछ परिवर्तन भी करते रहते हैं, ये अपनी कक्षाओं में कुछ परिवर्तन भी करते रहते हैं। एक लंबे समय के बाद इन ग्रहों के साथ टकराव भी हो सकता है, और जो टकराएगा तो उथल पुथल वनस्पतियों का नाश, जीवों की प्रजातियों का विनष्ट हो जाएगा। और यही सब बताया मैंने अभी कि डायनासोर वगैरह समाप्त हुए थे जब टकराया था, ठीक है, ये सब कारण है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं धूमकेतु, धूमकेतु या उच्छल तारे के बारे में। धूमकेतु एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये जो धूमकेतु है इसकी ऑर्बिट कैसे होती है, किस मतलब किस ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, तो परवलयाकार या दीर्घ परवलयाकार कक्षा में गति करता है सूरज, है ना, अति परवलयाकार पथ पर घूमते हुए पृथ्वी से कुछ दिन से कुछ महीनों तक नग्न आंखों से चमकीले रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। धूमकेतु या उच्छल तारे कहलाते हैं।
ये सौर तंत्र के अस्थाई सदस्य होते हैं, उच्छल तारे कहलाते हैं। ये सौर तंत्र के अस्थाई सदस्य होते हैं, होते हैं। सर्वप्रथम टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे वैज्ञानिक है, टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे महोदय ने धूमकेतु की खोज की थी। टाइको ब्राहे धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हुए, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित अवधि के पश्चात, एक निश्चित अवधि के पश्चात पृथ्वी से दृष्टिगत होते हैं। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित अवधि के पश्चात पृथ्वी से दृष्टिगत होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हैली उच्छल तारा, हैली या हेली कैसे मिलेगा, हेली या हैली, हेली उच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है पृथ्वी से, है ना। एक बार देख लेंगे फिर अगला नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, मतलब एक बार भी देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है जो कलयुग अभी जो योग वगैरह चल रहा है तो 150 वर्ष तो नहीं जा पाएंगे शायद, एक ही बार में इसको देखना। हाँ, वैशाख जब दिखेंगे जरूर दिखेगा, टीवी बताएगा। जैसे जो ज्यादा वर्ष वाला होता है तो एक आप वो लंबा समय है ना, 76 वर्ष वो लंबा समय होता है। चलिए, हैली उच्छल तारा, ये सब बातें कहने का जो सेंस होता है ना, एक बार में याद हो जाए 76 वर्ष तो भूल जाता है समय के साथ। हैली उच्छल तारा 76 वर्ष बाद कामा श्वास आदर्श रहेगा बेटा, इसे श्वास में वैचमैन उच्छल तारा 16 वर्ष की अवधि के बाद, 16 वर्ष की अवधि के बाद तथा ओटेरमा उच्छल तारा 8 वर्ष बाद, 76 हो गया स्वास्थ्यमैन वैचमैन, 18 हो गया, ठीक है, 16 वर्ष हुआ, ये 16 वर्ष बाद और उटेरमा 8 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई देता है ना, 8 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। तो छोड़ किसको सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, हालांकि छोड़िएगा तो हमें उटेरमा, क्योंकि हमें 8 साल बाद, 16 साल बाद और 8 साल बाद दिख जाए, बाकी ये सब क्या दुर्लभ घटना है। यानी हैली अगर दिखेगा तो इसको बहुत विशेष स्थिति बनेगी, हैली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लगभग एक दशक में, एक शताब्दी में एक बार दिखाई देगा लगभग, और ये तो क्या दशकीय वर्ष में एक बार हो जाएगा, और ये दो दशकीय वर्ष में एक बार होगा, ऐसा कुछ कुछ पैराग्राफ चेंज करने बजाय उच्छल तारों का निर्माण धूल बर्फ हिमानी
धूल भर हिमानी और गैसों से होता है, और गैसों से होता है, गैसों में अमोनिया। अब कौन कौन सी गैसें होती हैं इनके निर्माण में भैया, ये देख लो, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तथा मेथेन CH4 की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है। तो कौन कौन सी धूल कण, बर्फ के कण, इनके अलावा अगर हम बात करेंगे, है ना, धूल है, बर्फ है, हिमानी है, इनके अलावा अगर गैसों की बात करेंगे तो पूछ लेगा कुछ तारों के निर्माण में किन गैसों का रोल होता है, तो अमोनिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बस कहानी खत्म। एक एक नंबर मिल रहा है, झोली भरते जाइए, हमेशा लेकर के आइए झोली एकदम खाली और उसका भर के ले जाइए, जैसे लोग कमा के लेके जाते हैं ना, वो फीलिंग अभी से ले आइए कि कमा के आए कितना कम। लोग घर पहुँचते ही पूछते हैं ना, फादर वगैरह कहते होंगे ना, कहते हो भैया आ गए कमा के, है ना, व्यंगात्मक लोग ऐसा बोल देते होंगे, आपने सुना होगा, आपको नहीं कहते होंगे क्योंकि आप लोग बहुत आदर्श हैं, तो ये अलग हो सकता है आप लोग ना करें, लेकिन बाकी लोग कमा खा गए देख लो, तो कमा के आने का मतलब यही है कि लेके मतलब कुछ नहीं आए होंगे, ये फीलिंग यही होती है कि कुछ नहीं करके आया है, खाली घूम के आया। तो ये चीज़ नहीं, ऐसे झोले लेके आते हैं, कोई पूछे कि क्या कमा के आ गए, हाँ भाई कमा के आए हैं, कई सारे प्रश्नों को कमा के आए हैं, एग्जाम में जब आएगा यही सब खर्च करेंगे, वहाँ फटाफट खर्च करेंगे, और फटाफट खर्च करेंगे और सारे नंबर बटोर करके लेके चले आएंगे नौकरी। ये ठीक है, आइए और देखिए एक बात और भी जान लीजिए कि ये जो उच्छल तारा होता है ना भाई, इसमें जैसे कि अभी आपने देखा धूल बर्फ हिमानी और गैसों का मिश्रण होता है ना, धूल बर्फ हिमानी, धूल कणों का, बर्फ हिमानी और धूल कणों और गैसों का सम्मिश्रण होता है। 70% रोल इनमें गैसों का होता है, 30% में हिमानी, धूल कण और चीजें होती हैं, यानी कि इनके निर्माण में 70% जो रोल होता है इन गैसों का होता है। चार गैसें मूल रूप से आपने बताई, कौन कौन सी, अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे लिख लीजिए, पूरी संहिता का या संहति का, पूरा पूरी संहति का, संहिता ना करके संहति करिए, पूरी संहति का 70% हिमानी गैसों, ये ध्यान रखिएगा एक शब्द यहाँ पर लगा गैस ना, इसके आगे हमेशा लिख दीजिएगा हिमानी गैसे होंगी, गैसे, हिमानी गैसे का मतलब क्या है, जो भी गैस होंगी वो फॉर्मेट में होंगी, बर्फीले फॉर्मेट में होंगी। तो जो आपने अभी लिखा है कि धूल कण, हिमानी, ये सब जो लिखा है ना, तो हिमानी और गैसे अलग लिखे हैं, हिमानी गैसे एक साथ लिख दीजिएगा, थोड़ा समझने में आसानी आपको हो जाएगी। हिमानी गैसे होती है, ये गैसे जो भी मिल रही हैं, पूछ सकता है, यही केवल क्वेश्चन पूछ सकता है, किस फॉर्मेट में मिलती हैं, बर्फीले फॉर्मेट में मिलती है, हिमानी के रूप में, यानी हिमानी के साथ बर्फ के साथ मिली रहे, और बर्फ के साथ रहेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, वो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बर्फ तभी बनेगी, तो वो चीज़ें आप जाने हिमानी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, हिमानी गैसें मतलब पूरी संहति का 70% हिमानी गैसों
और जल कणों से बना होता है, और जल कणों से बना होता है, जबकि शेष 20 से 30 प्रतिशत भाग, जबकि शेष 20 से 30 प्रतिशत भाग किससे बनेगा? अन्य पदार्थ आपके भूतल हो रहे हैं, उनसे बनेगा। अन्य भाग उल्का कणों से निर्मित होता है, शेष 20 से 30 प्रतिशत भाग उल्का कणों से निर्मित होता है, उच्छल तारे का यह भाग, उच्छल तारे का यह भाग कौन सा? हिमानी वाला, ये जो उल्का कणों वाला भाग, इसकी यानी 20 से 30 प्रतिशत वाले की बात कर रहा है, ध्यान सुन लीजिए, ये 20 से 30 प्रतिशत की बात कर रहा है, गैसे हिमानी गैसों की बात नहीं कर रहा है। उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कौन? चट्टानी और धातु पदार्थ पाए जाते हैं इसमें, धात्विक मेटलिक है ना, मेटल धातु पदार्थ मतलब पाए जाते हैं, जो 20 से 30 प्रतिशत उल्का पिंड जो होते हैं आप, तो इसमें लिख लीजिए उच्छल तारों का यह भाग चट्टानी और धातु पदार्थों से, चट्टानी और धातु पदार्थों से निर्मित होता है या पदार्थों से युक्त होता है, निर्मित का कहिए युक्त कहिए, मतलब मिश्रण होता है, मिला होता है। पर्यवेक्षण करिए, देखिए धूमकेतु तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक नाभि, दूसरा है कोमा, पहला है नाभि, नाभि दूसरा है कोमा, और तीसरा है, पहला है नाभि दूसरा है कोमा, तीसरा है आपका पूंछ, नाभि कोमा तथा पूंछ, नाभि कोमा तथा पूंछ, यही पूछता है कि पूछ किधर होती है, सूर्य की तरफ होती है कि सूर्य से परे होती है, मतलब यानी सूरज भगवान है तो पूछ इधर होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, बाकी से हम लोगों का दोस्तों खत्म हो गया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का जो आपने साथ दिया एस्ट्रोनॉमी को खत्म करने के लिए। इसके बाद उल्का और केतु के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करनी है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें हमें जरूर समझेंगे तो करेंगे, और तैयार होकर आइएगा, कुछ प्रश्नों को पूछेंगे, संभवतः का जो दिन होगा वो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित होगा, और आशा है कि सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मिलते हैं दोस्तों।